नमस्कार, हाजिर हैं सीधी बात के कार्यक्रम में। हर बार की तरह इस बार भी हमारे साथ एक नया शख्स है और इस शख्स से हम बातचीत करेंगे उसकी राजनीतिक यात्रा पर, और बातचीत करेंगे आखिर अपने अब तक उसने कैसे राजनीति की और कैसे अब तक का समाज सेवा का क्षेत्र उसने अपनाया। हम वो सारी बातें करेंगे उस व्यक्ति से जिसने अपनी यात्रा उस समाज को देखकर राजनीति पकड़ी जहां दबे लोग थे, जहां कुचले लोग थे, जहां की आवाज़ उठाना मुश्किल था, लेकिन इसने सोचा है कि अब कुछ करना है और इसके लिए कुछ कर गुजरना है। हम बातचीत करेंगे सागर मनोहर देशमुख से, जो इस समय स्वराज शक्ति संघ का एक दल का निर्माण भी किया है और उसमें काम भी कर रहे हैं। आइए हम बातचीत करते हैं, और उससे पहले ये देखिए एक क्लिप। इस क्लिप में उनकी राजनीतिक यात्रा है, राजनीतिक पदार्पण है, अब तक का काम है, अब तक का समर्पण है, और एक खास बात कि आखिर ये व्यक्ति है कैसा। देखिए एक क्लिप। सागर मनोहर देशमुख, देशमुखी पूर्वजों का ये एक ऐसा वारिस जो इन दिनों देशमुखी वंशजों का नाम रोशन करने में अपना काम कर रहा है। इन दिनों इन्होंने एक निर्माण किया है, एक संगठन का, उसका नाम है स्वराज शक्ति संघ, और इस संगठन के माध्यम से उन लोगों की आवाज़ उठाना चाहते हैं जो आदिवासी हैं, जो पिछड़े हैं, और जिनके पास विकास आज भी नहीं पहुंच पाया। महाराष्ट्र और मुंबई की माया नगरी में अभी भी कई जगह हैं जहां विकास से अछूते हैं, विकास पहुंचा नहीं वहां तक, और जहां विकास नहीं पहुंचा वहां का दर्द है इस व्यक्ति के अंदर। ये चाहता है कि वहां पर बिजली पहुंचे, वहां पर पानी पहुंचे, वहां पर सड़कें पहुंचे, और वहां पहुंचे व्यवस्था, उस व्यवस्था, वह व्यवस्था जिसमें आम जनमानस जी रहे हैं, आम जनमानस चाहते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर किसी के पास नहीं पहुंच रहा है तो वहां तक कैसे पहुंचे, इसके विचार और इसका लक्ष्य लेकर राजनीति में उतरे और इन दिनों निर्माण कर दिया है स्वराज शक्ति संघ का। इस संगठन के माध्यम से काम करते करते हालांकि 2 ही महीने हुए हैं, लेकिन 2 महीने के ख्याति देख लीजिए, 2 महीने के काम देख लीजिए, तो आप भी कहेंगे कि हाँ, काम तो होना ऐसा ही चाहिए। स्वराज शक्ति संघ के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण पर जो काम किया है सागर मनोहर देशमुख ने, वो वाकई में लाजमी है। महिलाओं के रोजगार के लिए जो काम किए हैं वो वाकई में प्रशंसनीय है। युवाओं के लिए काम करने के लिए आतुर और व्याकुल हैं और लगातार काम कर रहे हैं। खैर, देखना ये होगा कि समय पर, आने वाले वक्त पर कैसे सागर मनोहर देशमुख अपने आप को विराजित करते हैं और इस राजनीति में अपने आप को कैसे बिठा पाते हैं। लेकिन अब तक के सफर से ये तय हुआ कि भाजपा से लेकर शिवसेना और शिवसेना के बाद इस संगठन का जो गठन किया, वहाँ से लेकर यहाँ तक का सफ़र, समाज सेवा के क्षेत्र में लीन होते हुए यहाँ तक का सफ़र तय किया। अब देखना यह है कि भविष्य में किस प्रकार संगठन के माध्यम से आदिवासियों की आवाज़ को उठाते हैं, पिछड़ों की आवाज़ को उठाते हैं और किस प्रकार से काम करते हैं। आइए मिलते हैं सीधी बात के इस कार्यक्रम में। इस पूरे क्लिप में तो आप जान चुके होंगे कि 38 साल का ये युवा किस प्रकार का है और क्या करने वाला है। आइए हम बातचीत करते हैं सीधी बात के कार्यक्रम में कि आखिर किस प्रकार का है ये सागर मनोहर देशमुख। नमस्कार, हाजिर है हमारे साथ, उपस्थित हैं सागर मनोहर देशमुख जी, हम बातचीत करते हैं जी। नमस्कार सागर जी, होता क्या है कि कई बार ऐसे लोग राजनीति में उतर जाते हैं जिनको पद, प्रतिष्ठा, लोभ, लालच, इन सब चीजों की आवश्यकता होती है और राजनीति में उतर जाते हैं। आप जब राजनीति में आए तो उसके पीछे का कारण क्या था, आखिर राजनीति में उतरे क्यों आप? देखिए, सबसे पहले तो राजनीति में आने का कारण यही है कि हम लोग यहाँ के सबसे पहले देशमुख के, जब 350-350 साल पहले जब चिमाजी आप्पा वसई में आए और वसई के किले की जब फाइट चालू थी पोर्तुगीजों के साथ में, तभी जब आए तभी हम लोग उनके साथ में यहाँ पे आए, यहाँ पे बसे। यहाँ के कम से कम 42 गाँव, 42 गाँव की जो क्या कह सकते हैं आबादी नहीं, जो देशमुखी, हाँ, देशमुखी वो हम लोग के पास थी। यहाँ का कानून, यहाँ का कर, ये सब हम लोग के बाप दादा, अच्छा, पूर्वज, हाँ, पूर्वज देखा करते थे। तो आपको लगा कि ये अव्यवस्थाएं हैं और ठीक किया जाए? हाँ, कुछ समय तक ये सब चलता रहता। अभी देखने गए तो 50 सालों के गैप में ये सब बंद हुआ, 50 साल के गैप में ये सब बंद हो चुका था। लेकिन उसी टाइम पे मेरा जन्म हुआ, आज मैं 38 साल का हूँ, सब कुछ देखते आ रहा हूँ कि क्या था हम लोग की हिस्ट्री और क्या अभी चल रहा है एग्जैक्ट।
तो बस वही सब। नहीं तो चल क्या रहा है आपके हिसाब से, गलत है जो कुछ चल रहा है वो, ठीक नहीं है? देखिए मैं किसी सिस्टम को गलत नहीं ठहराना चाहता, या किसी सिस्टम के किसी लोगों के लिए मैं किसी सिस्टम को या किसी पक्ष को मैं गलत नहीं ठहराना चाहता। तो सही क्या है, सही बता दीजिए, आप गलत नहीं ठहराना चाहते, आप सही बता दीजिए काम कर रही है ठीक। देखिए मैं इस बात से सहमत हूँ कि हर कोई इंसान गलत नहीं है। कभी कभी सोचता हूँ कि यार लेकिन लोगों के लिए क्या किया जा सकता है फिर, क्योंकि सिस्टम में पक्ष आते रहते हैं जाते रहते हैं, बहुत सारे पक्ष आए हैं, बहुत सारे पक्ष, बहुत सारे संगठन भी आए। हाँ लेकिन किया क्या किन्होंने, आखिर वो जनता तो वही खड़ी है। यस यस, इसके लिए ये स्वराज शक्ति बन चुकी है अभी, और ये स्वराज शक्ति का प्लेटफॉर्म लेके मैं जनता के लिए बढ़ चुका हूँ आगे। स्वराज शक्ति संघ के माध्यम से आप समाज के लिए, दबे लोगों के लिए, आदिवासी के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए आप काम करेंगे, लेकिन जरा ये बता दीजिए कि आखिर भाजपा के साथ आपको देखा गया, शिवसेना के साथ आपको देखा गया, आपको बीच पे एक संस्था है साइंस संस्था, उसमें भी आप अध्यक्ष हैं। हाँ। तो ये तमाम पद होने के बाद, इतने सारे पद होने के बाद एक स्वराज शक्ति संघ भी निर्माण कर दिया, तो उनके साथ दाल नहीं गली या उनके? नहीं नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, दाल गलने की या नहीं गलने की बात नहीं है। कैसे सर मालूम है, मैं आपको मैं कह चुका हूँ कि मेरे किसी राजकीय पक्ष से मेरी दुश्मन नहीं है, किसी लोगों से मेरे कुछ नहीं है। राजकीय पक्ष में जो लोग है, बड़े बड़े नाम है जो मेरे से जुड़े चुके हैं, उनसे मेरे कुछ पर्सनल दुश्मन नहीं है। मेरा जो कहना है वो विचारों से कहना है, जो वैचारिक। क्या वैचारिक मतभेद है, खुल के बोलिए क्या मतभेद है? सर मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मेरा जो भेद वाक्य है मेरे स्वराज शक्ति का, वही आपको कहना चाहता हूँ, जिससे आपका पूरा क्लियर हो जाएगा टाइटल। बराबर, खूब लड़ लो दुसऱ्यांसाठी, खूब झगड़ लो दुसऱ्यांसाठी, आता लड़णार फक्त स्वराज्यासाठी। बहुत बढ़िया, लोक कल्याणासाठी, लोक रक्षणासाठी, ये भी ठीक है, यही मेरा ब्रीद वाक्य, इसी स्लोगन को लेके मैं आगे चल रहा है, मेरी स्वराज शक्ति पूरी आगे चल रही है। नहीं, आप लोक कल्याण और स्वराज लाना चाहते हैं, मान लिया आपने, इस मोटो के साथ आप चल भी रहे हैं। यस। लेकिन जो संगठन पहले से विराजित हैं, पहले से काम कर रहे हैं, वो आप करने देंगे? आपको उनके साथ तालमेल तो बिठाना ही पड़ेगा। जरूर बिठाना पड़ेगा सर, ना किधर कह रहे हैं हम लोग तो, मेरा तो कहना यही है कि अगर जो लोगों के लिए कर रहे हैं, इधर से बहुत सारी संगठनाएं या बहुत सारे पक्ष है इस मिट्टी में बनी हुई, जो लोगों के लिए काम भी कर रहे हैं, अगर जो हमें सपोर्ट करेंगे, जो लोगों को, लोगों के कामों के लिए, तो उनसे 100% हम लोग सपोर्ट करेंगे, उनके साथ में काम करेंगे। आपने कोई बात नहीं की उन लोगों से कि आइए मिलके काम करते हैं? नहीं सर, ऐसी बातचीत तो चाली रहती है सर, ऐसा कुछ नहीं कि पक्ष अलग है, खुद के जो क्या बोलते हैं, विपक्ष अलग है, विचारधारा अलग है। चलिए अगला सवाल, सारी बातें मान लेते हैं, अब तक कितना स्वराज शक्ति संघ ने जमीन पर काम किया, हवा में छोड़ी, अब जमीन बताइए कि आपने इतनी महिलाओं के लिए काम किया, इतने आदिवासियों के लिए काम किया, इतना युवा। सर कैसे मालूम है, स्वराज शक्ति है ना, ये पूरे भारतीय भारत में रजिस्टर हो चुकी संगठन है, सामाजिक संगठन है ये। इस संगठन का बेस है महिलाओं का सशक्तिकरण, आदिवासी लोगों के लिए काम चल रहा है हम लोगों का, युवाओं के लिए, कामगारों के लिए, बेरोजगारों के लिए। काम कितना किया है आज तक हम लोग के स्वराज शक्ति स्टार्ट होके? कम से कम आई थिंक दो महीना हो चुका है, दो महीना हो चुका है। इस दो महीने में हम लोग के कम से कम तीन यूनिट है, महिलाओं के लिए तीन यूनिट बनाए गए, जिस यूनिट में रोज से महिला को 50 से 100 रुपया, 150 रुपया दिन का मिलने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, काम दे रहे। ये मतलब महिलाओं को मजबूत करने के लिए आपने, महिलाओं का सशक्तिकरण मेरा सबसे पहला बेस है स्वराज शक्ति का, कि महिलाओं का सशक्तिकरण, जो महिला अबला नहीं है सबला है, उनको उनको जो 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 अपना ये है उसमें एक। चलिए दो महीने में इतना किया, इसके अलावा कुछ सोचा है कि मुझे आई हैव टू डू दिस, मुझे ये करना है, तो क्या? सर मेरा अगला कदम है कि जो पालघर जिला में आदिवासी पाड़े, उधर जाके उन लोगों से अभी रिलेटेड होके काम करना है मुझे। आप अभी हम लोग यहाँ पे बहुत आराम से जिंदगी जी रहे सर, हाँ। मैं सके एसी लगा के बैठे, फैन लगा के बैठे, गाड़ी लेके घूम रहे, ऑफिस लेके घूम रहे, बहुत सब कुछ है, फिर भी रो रहे कि महंगाई 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 चल रही है। ये सब कुछ होते हुए भी हम लोग बोल रहे कि क्या है हम लोग के पास, ये नहीं है वो नहीं है। लेकिन सर इधर से ज्यादा नहीं, यहाँ से खाली 25 किलोमीटर आगे जाइए आप पालघर में ऐसे बहुत सारे आदिवासी पाड़े है जहाँ पे बिजली नहीं है, पानी नहीं है, रास्ते नहीं है, अस्पताल तो बहुत दूर है, उस अस्पताल में जाने के लिए 8 किलोमीटर के रास्ता काटने के लिए कम से कम
एक घंटा लगता है, डेढ़ घंटा लगता है, क्योंकि सड़क की प्रॉब्लम। एक्चुअली आदिवासी एरिया है, पूरा जंगल फॉरेस्ट से भरा हुआ है, कहाँ से निकल, हाँ तो स्नेक बाइट का वगैरह बहुत सारा प्रॉब्लम्स है। अच्छा आपने तो इस पर ध्यान दिया, सरकार ने क्यों दिया आपको? मैं वही पूछना चाहता हूँ, मैं वही तो पूछना चाहता हूँ सर, तो सरकार पे आप क्यों नहीं, मैं तो वही तो पूछना चाहता हूँ सर कि हाँ मैंने आपको अभी कहा कि इन लोगों के ऊपर जो फोकस करेंगे, संगठन बोले या पक्ष बोले, उनके साथ में हम जुड़ जुड़ के काम करने के लिए तैयार है, हम लोग वही बोल रहे हैं। जो आपकी बात नहीं मानेगा तब क्या करेंगे सर? क्यों नहीं मानेंगे, मनवाएंगे ना सर, मनाने का तरीका ये तो इसके लिए तो स्वराज शक्ति बने हुई, आंदोलन होगा, दूसरा कुछ नहीं सर, मनाएंगे, जरूर मनाएंगे, 100% मनाएंगे। आक्रोश प्रदर्शन, देखिए सर आक्रोश प्रदर्शन की जरूरत नहीं है सर, मैं क्या बोल रहा हूँ सर, सबको घटनाएं लिखी गई है, घटना में नागरिकत्व सबको दिया गया है, बराबर है, तो सबको समान हक है, बराबर है, लॉ सबके लिए एक है, तो दिक्कत क्या है फिर सरकार को? अलग अलग क्यों सबके लिए? वही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि इसके लिए कि ये उसके लिए, सबके लिए समान होना चाहिए, समान नागरिकत्व है हिंदुत्व का। अच्छा ये चीज आपको भाजपा और शिवसेना में जब आप रह रहे तब नजर नहीं आई थी क्या? सर जरूर नहीं है, मैं किसी से, अभी देखिए मैंने किसी से ज्वाइन नहीं लिया है, मैं किसी पोस्ट में नहीं हूँ बीजेपी, बीजेपी के मैं, लेकिन यहाँ तो आप राष्ट्रीय अध्यक्ष, नहीं नहीं मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मेरे संगठन का हूँ, मेरे लोगों का हूँ मैं, मेरे लोगों का हूँ मैं, अच्छी बात। लेकिन मैं आपको थोड़ी देर पहले कह चुका हूँ, मैं सर किसी पक्ष के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहता, हर हर एक की जगह पे ठीक है, लेकिन जो प्रॉब्लम्स है जो ऊपर तक जाने चाहिए, जो यहाँ की फील्ड है, जो कि यहाँ के फील्ड पे काम कर रहे हैं, यहाँ के जो पदाधिकारी हर एक पक्ष के, अच्छा क्या मानते हैं? तो इनके इधर के लोगों की आवाज उन्होंने ऊपर आवाम तक पहुंचाना चाहिए। अच्छा क्या माने, ये इतना संघर्ष, इतना इतना तेज, जिस तरह से आप इस समय आक्रोशित हैं उन लोगों के लिए और चाहते हैं कि हो जाए उनके लिए काम, सड़कें बन जाए, उनको व्यवस्था मिल जाए, हॉस्पिटल मिल जाए, चाहते हैं आप, भविष्य में क्या MLA की तैयारी है क्या? बिल्कुल नहीं सर, ऐसा कुछ सोचा ही नहीं है, लग रहा है राजनीति की ऐसी कुछ बात सोची ही नहीं है। मैं देखिए मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि ये मेरा संगठन है, एक संघ है जो लोगों के लिए, लोगों की दिक्कतों के लिए बना है, किसी पॉलिटिशियन लेवल में मैं अभी तक सोच ही नहीं रहा हूँ सर। एक संघ बना है उसे तो पूरे देश में राज कर रहा है। यस सर, संघ आपने बना दिया, बस ऊपर वाले की साई की मेहरबानी और क्या। सर देखते हैं क्या करते हैं वैसे आप, बस क्या भविष्य में माने कि चुनाव की तैयारी में रहेंगे आप? सर मैंने आपको कहा अगर मेरे लोगों के लिए, इधर के लोगों के लिए जो इस मिट्टी से बने हुए लोग हैं, इस मिट्टी में जन्मे हुए लोग हैं, इन लोगों को अगर उनके न्याय, उनके हक मिल रहे हैं, जो पार्टी उनको देगी उनके साथ में जुड़ के हम 100% काम करेंगे। अगर नहीं मिल रहा है तो चुनाव में उतरेंगे, फिर खुद के हिसाब से काम करूंगा मैं बोला ना आंदोलन होगा जी। अच्छा इस समय थोड़ा सरकार बात कर लें थोड़ा सा कुछ महीने बचे हैं विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं महाराष्ट्र में, और लोकसभा के चुनाव प्रदेश में, क्या लगता है सही ढंग से काम हुआ है, जिस प्रकार से अच्छे दिन का वादा था? पेट्रोल के दाम देख लीजिए, बोलिए 100 रुपये तो हो ही जाएगा सर तो उसके बाद भी अच्छे ही दिन है क्या लगता है? उसके बाद अच्छे हाँ तो अच्छे ही दिन है ना सर, 100 रुपये हो गया, अच्छे दिन है ना अच्छे ही दिन है, खुल के माने कि अच्छे दिन नहीं सर, नो कमेंट्स। क्या लगता है आपको महाराष्ट्र में क्या इस समय की सरकार सही ढंग से काम कर रही है, जिस प्रकार से होना चाहिए, इसमें कमेंट करिए जरूर, आप नो कमेंट ना कहिएगा सर। मेरा कहना है कि अगर महाराष्ट्र को उनका हक देना है, महाराष्ट्र के लोगों को, तो इधर की जो संगठनाएं हैं, लोकल संगठनाएं बोलिए, इस मिट्टी से जुड़ी लोकल संगठनाएं या फिर इधर के पक्ष, तो अपना थोड़ा राजनीति साइड में रख के इन लोगों को सबको एक आना चाहिए। अरे कभी कभार अपने अपने जेब की छोड़ के लोगों के लिए सोचना चाहिए, मतलब सोचते हैं वो अपनी जेब। यस 100% चलिए बेबाक रूप से बोले आप इसके, नहीं 100% मैं तो ये बोलूंगा कि हाँ कि लोगों के लिए सोचना चाहिए थोड़ा बहुत जी, क्या इसमें और ये सोचना रहेगा तो मैं सही बोलता हूँ ना सर, आइए आप है ना उधर बैठ के जो बोल रहे हैं ना, बड़ी बड़ी कमेंट्स कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, तो आके देखिए ना ग्राउंड फ्लोर पे आके काम कीजिए, तो पता चल जाएगा कि लोगों के क्या प्रॉब्लम्स है। सही, अगला सवाल क्या इसमें कि वर्तमान MLA यहाँ के सही ढंग से काम कर रहे हैं? सर देखिए 30 साल तक राज कर रहे हैं, हाँ अभी तक कुछ कर नहीं, नहीं करने का सवाल नहीं आता है सर, उनके ढंग से उनका काम चल रहा है ठीक तरह से, 30 साल से ऐसा ही कोई राज नहीं कर रहे सर। आज इधर के लोकल MLA है जो है हितेंद्र जी ठाकुर, हम लोग प्यार से उनके अप्पा कहते हैं, हाँ अप्पा ही कहते हैं क्योंकि ऐसे रिलेशन भी घर के जुड़े हैं तो अप्पा ही बोलते हैं हम लोग उनको, और क्षितिज जी ठाकुर, इनका काम चले 30 साल से कोई पक्ष ऐसा ही राज नहीं करता है सर, ठीक से काम किया है आपके सर, चल रहा है काम उनका, मैं किसी के लिए बुरा नहीं बोल सकता सर, काम चल रहा है, जो कुछ दिख रहा है वो उनके ही राज में हो चुका है 30 साल से। अभी सर पॉलिटिशियन से राज करने तो एक दूसरे के ऊपर चिखल तो फेंके करेंगे ना, उसमें क्या है,
क्या माने? मुझे उनके बारे में बुरा बोला तो मैंने फेंक दिया, उसमें गया है। लेकिन जो किया वो देखो ना, उन्होंने भी किया है काम तो किया है, इसके लिए 30 साल से इधर की जनता उनको चुन के दे रही है, 100% चुन के दे रही है ना सर। अच्छा एक चीज़ और, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि उन्होंने लगातार काम किया, अगर काम किया होता तो जो आज की देखो स्वच्छ भारत अभियान धरातल पे आया नहीं, वो कहीं ना कहीं लगता है कि बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट हो गया, बहुत खर्चा हो गया, खाली एडवर्टाइजिंग हो गया। हाँ, लेकिन जमीन पे नहीं आया। इधर है सर, मैं वही बोल रहा ना, ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं काम है, ग्राउंड लेवल पे काम ही नहीं है। क्या भविष्य लगता है इसमें महाराष्ट्र की राजनीति का और इसमें यहाँ की राजनीति का, खासकर विरार के आसपास का? सर मैं तो वही कहूँगा, मैं थोड़ी देर पहले कह चूंगा आपको कि इधर के लोकल संगठन और पक्ष को साथ में आना चाहिए, अगर महाराष्ट्र के लोगों के लिए कुछ करना है या महाराष्ट्र बचाना है तो। क्या करेंगे आप करेंगे एक सब एक कोशिश तो चालू है सर। मुश्किल है, मुश्किल होती है सर हर टाइम पे। अगर यही मुश्किल अगर 350 साल पहले अगर शिवाजी महाराज ठानते कि नहीं ये मुश्किल ही है, तभी तो बहुत कुछ सिस्टम खराब था यहाँ का। आई थिंक हिंदू तो था ही नहीं, तो अगर वो ऐसे ठानते तो ये नहीं होता ना, ये सब नहीं होता, ये महाराष्ट्र ये हिंदुस्तान ऐसा इस कंडीशन में हम लोग आराम से नहीं बैठ के बात कर सकते थे सर। अच्छा हिंदुत्व पे आप बात करते हैं, अभी देखो पीछे भगवा ही है। क्या लगता है, भगवा ठीक है बाकी सब बेकार? भगवा ही है ना सर, और भगवा किसी पक्ष की नहीं है, भगवा महाराष्ट्र का शान है एजेंडा है बोल सकते हैं। पर जब भाजपा भगवा का नाम लेती है तो मुसलमान बड़े परेशान हो जाते हैं सर। नहीं गलत बात है सर, मुझे नहीं लगता कि ये सब राजनीति है सर। मुझे नहीं लगता कि मुस्लिमों को और हिंदुओं को एक दूसरे की दिक्कत है, मुझे नहीं लगता। मैं जिस हिसाब से देखता हूँ मेरे थाली में सब बैठे खाने के लिए, मुझे नहीं लगता किसी दिक्कत है करके किसी को तकलीफ। आप ही सुने ना, इधर रहते तो आप जाते सर देखने के लिए, चलो आज बिरयानी खाने जाते, चलो आज आसिफ भाई के घर पे चलो बिरयानी खाते, आसिफ भाई भी बोलते चलो यार सागर भाई के घर पे आज गणपति चले जाते, मोदक लेके आते ना, तो क्या दिक्कत क्या है सर? तो ये राम मंदिर मुझे दिखाई ना रस्ते पे, किधर दिक्कत आई है आपको? तो ये राम मंदिर ये सब क्या है? हाँ सब है राजनीति है, दूसरा कुछ नहीं सर, किसी को दिक्कत नहीं है। मुझे राम मंदिर बने क्यों नहीं बने सर, बनना चाहिए ना, क्यों नहीं बनना चाहिए? देखिए सर हिस्ट्री देखिए, आप हिस्ट्री पढ़िए, सब कुछ चल रहा है अपने जगह पे, कुछ राजनीति नहीं होनी चाहिए आपके हिसाब से। अरे सर मैं तो इतना ही बोलना चाहूंगा, राम मंदिर बनाना था तो बनाना चाहिए था, तो बनाना चाहिए था, उसके ऊपर राजनीति क्यों खेल रहे हो, उसके ऊपर राजनीति खेलने की क्या जरूरत है? अच्छा कुल मिलाकर जो बातें आई अब तक आपकी, आखिरी प्रश्न है मेरा आपसे, आपने कहा कि वर्तमान सरकार ने जो अच्छे दिन लाने थे उसमें 100 रुपये पेट्रोल हो गया, अच्छे दिन आ गए, मतलब कहीं ना कहीं तंज था आपका। वर्तमान सरकार जो महाराष्ट्र की है उस पर भी कहीं ना कहीं आपके अंदर का जो दुख है वो निकल कर बाहर आया कुछ। यहाँ के जो वर्तमान MLA उनके सपोर्ट में हैं आप, आपके शब्दों से मालूम पड़ा, मतलब वो ठीक काम कर रहे हैं? नहीं उनका काम चल रहा है सर, स्वराज शक्ति अपना काम कर रहे हैं, उनका काम कर रहे हैं। मैं बोला ना मैं इधर के लोग, मैंने सर आपको कह चुका हूँ कि इस मिट्टी में जो पक्ष बने हैं उनको मेरा सपोर्ट रहेगा, खाली उनको लोगों की जो दिक्कत है वो समझनी चाहिए बस। अच्छा, हमें 100% उनको सपोर्ट करेंगे स्वराज शक्ति। एक आखिरी मेरा उम्मीदों भरा प्रश्न है, स्वराज शक्ति संघ युवाओं के लिए, क्योंकि युवा आज पूरे देश में एक आस लगाए बैठे हैं कि रोजगार कहाँ है, वो आस लगाए बैठे हैं कि वो आम जीवन कहाँ पर है, 100 रुपये पेट्रोल हो जाएगा तो कहाँ युवा चल पाएगा, तो इस पर आप क्या सोचे हैं, युवाओं के लिए क्या करेंगे और कितना आप अपने अपने माध्यम से अपने बल पे अपने अपने ताकत पे क्या करने वाले हैं युवाओं के लिए आगे भविष्य में? सर पहली बात तो है ना, अभी का जनरेशन को पहले एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए मेरे ख्याल से, एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, एक अगर एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, अगर अच्छा उनको अगर एजुकेशन मिले तो एक अच्छे ट्रैक पर चलेंगे। अगर युवा ही स्ट्रांग रहेंगे तो सर तो ये देश बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा सर ये देश। अभी के युवा आप देख रहे होंगे कि अभी के लिए आप क्या करें? हाँ सबसे पहली बात सर है ना, युवा के लिए कि ना मैं एक बोल रहा हूँ कि उनको ना अच्छा एजुकेशन देना चाहिए, उनको अच्छा एक गाइडलाइन देनी चाहिए, मेरे ख्याल से उनको एक गाइडलाइन देना चाहिए। और हम लोग कर रहे हो काम सर, हम लोग कर रहे हैं सर, युवा के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आज की तारीख में स्वराज शक्ति में कम से कम 5,000 युवा है अपने युवा 5,000 युवा है जुड़ रहे। ये 2 महीने का रिपोर्ट कार्ड है स्वराज शक्ति का, 2 महीने 5,000 के कम से कम 3,000 से 4,000 महिलाएं और एक कम से कम 4,000 से 5,000 युवा ये जुड़ चुके हैं ये 2 महीने के अंदर। कारण से भी माने कि आपकी एक विचारधारा यस सागर मनोहर देशमुख उसकी वजह से 5,000 लोग जुड़े? सर जरूरी नहीं, स्वराज शक्ति है, सागर मनोहर देशमुख कोई नहीं है, ये स्वराज शक्ति है। लगभग सारी बातें हुई और बातचीत में एक बात तो सामने आ गई कि सागर मनोहर देशमुख भविष्य में वो करना चाहते हैं जिनके पास उन लोगों की पहुंच नहीं पहुंच पाई जिनको जाना चाहिए था, चाहे सरकार के लोग हो चाहे गैर सरकार के लोग हो, चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो। खैर देखना ये होगा कि सागर मनोहर देशमुख भविष्य में किस प्रकार से उन लोगों तक जाते हैं। और एक जो संकेत दिया है
कि आंदोलन किया जाएगा अगर काम पूरे नहीं हुए, आदिवासियों के लिए उनका हक नहीं मिला, युवाओं को उनका हक नहीं मिला और महिलाओं को सशक्तिकरण नहीं मिला, तो आंदोलन देखते हैं कि आखिर आंदोलन कैसे। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए शख्सियत के साथ, सचिन दीक्षित के साथ, जितना ही कल फिर आपको हम मिलाएंगे।